दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आइए तैयारी करते हैं हम अपने गार्डन में ठंड की सब्जियां लगाने के लिए। तो दोस्तों इस तरह की सब्जी पाने के लिए हम किस तरह से तैयारी करें कि हमको ऐसी सब्जियां ठंड में मिले। असली आनंद सब्जियों का ठंड में ही है। तो दोस्तों आइए हम करते हैं तैयारी। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मैं किस तरह से तैयारी करती हूँ इसको आप जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हम किस तरह से ठंड के लिए तैयारी करें। ये बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों ठंड की तैयारी के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों ये रोहित फिर आ गए और ये देखिए जैसा कि हमने कहा था रोहित यहाँ खीरा और है, तोड़ लेना। वो उधर भी खीरा एक लगा हुआ है। तो दोस्तों हम ये खीरा वीरा को सब अब निकाल देंगे, ऐसे हमने तोड़ लिया है जो लगे थे। और अब हम नए तरीके से कंटेनर भरेंगे क्योंकि हमको अभी ठंड की सब्जियां लगानी हैं तो हमको ये सब भी तोड़ना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा। कोशिश करूँगी कि दूसरी जगह लगा दूँ। तो आज हमारा ये सब काम चलेगा ठंड की तैयारी सब्जियों की। तो इस बरसात खत्म हो गई, अब इनको सबको हटाकर हम नए तरीके से पौधे लगाएंगे। हाँ तो दोस्तों इस तरह से हमारा काम चल रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, पिछली बार जितना हमने इसमें खाद बनाने के लिए भरा था गार्बेज, आप देखिए सब कुछ कंपोस्ट हो गया, सारा सड़ गया। अब ये हमारी मिट्टी और अच्छी हो गई। तो दोस्तों ये हमने यहाँ रख दिया स्टैंड। ये इतना लंबा स्टैंड है कि इसमें चार कंटेनर हमारे आ जा रहे हैं। तो हमने इसमें रख दिया स्टैंड और स्टैंड के ऊपर हमने रख दिया अपने कंटेनर। अब कंटेनर को हम इसको बंद करने का करेंगे जुगाड़ और इसके बाद ये सारी मिट्टी जो है मिट्टी को हम इसमें भरेंगे। इसमें अभी हम और मिक्स करेंगे खाद, राख हमने मिक्स कर दिया है। अभी राइस हस्क और बकरी वाला जो लीद का जो खाद बनता है वो, ये सारा कुछ इसमें मिक्स करेंगे और फिर इन कंटेनर को हम भरेंगे। तो दोस्तों कब मिट्टी में कंटेनर किस तरह से भरें आप ये देख लीजिए। जो भी आपके गार्डन का गार्बेज, सूखे पत्ते, ये सारा कुछ उसमें डालें कंटेनर में, इसके बाद मिट्टी डालें। तो दोस्तों देखिए ये हमारा जो कंटेनर है, अभी हम चार कंटेनर भर रहे हैं। सब में हमने पहले गार्डन का गार्बेज डाल दिया, अब ये सूखे पत्ते डाल रहे हैं। तो इससे क्या है ना, नीचे हमारी खाद जो है बनती रहेगी और फिर से हमारी मिट्टी अच्छी होगी। देखिए भिंडी तो पूरा खराब हो। हाँ हाँ सबको डाल दो। ये देखिए इस तरह से हम अपना पूरा इसको पहले भर रहे हैं ऐसे कचड़े से, इसके बाद फिर इसमें हम अभी मिट्टी बनाएंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों जब हम कंटेनर से मिट्टी निकालते हैं तो नीचे कितनी बढ़िया खाद मिलती है आप देखिए। इसी तकनीक से आप लोग पौधे लगाइए, आपको बहुत ही कम मेहनत से इस तरह से आपको सब्जियां ऑर्गेनिक बहुत आसानी से मिलेंगी। तो आप लोग भी कोशिश करिए, थोड़ी मेहनत तो है। एक दिन रोहित को बुलाइए, आपका सब ठीक कर देगा। इसके बाद रह जाएगा पौधे लगाना, पानी डालना, आप करते रहिए। ये देखिए हमारा आज कितना काम हो रहा है, कितना काम फैला हुआ था। ये सारी मिट्टी को हमने नीचे निकाला है, सारे कंटेनर को हमने स्टैंड में जमाया है और इसके बाद इसमें फिर हम नीचे गार्बेज और पत्ते भर के सूखे और इसके बाद फिर इसमें हम मिक्स करके इसमें मिट्टी को और खाद और सब कुछ, और इसके बाद इसको हम भरेंगे और फिर इसको मैं 2-4 दिन के लिए छोड़ दूंगी धूप लगने के लिए। इसके बाद इसमें जो सब्जी या पौधे में ठंड वाले लगाऊंगी तो उसको लगाऊंगी। तो दो कंटेनर हमारे इधर आ गए दोस्तों, ये देखिए ये इस स्टैंड में हमारे दो कंटेनर आ गए और चार इसमें आ गए लगातार। और ये देखिए नीचे जो है हमको बहुत अच्छे से साफ करते बनेगा और पौधे भी सुरक्षित रहते हैं क्योंकि जब नीचे लगाओ ना तो पौधे जमीन में लौटते हैं और फिर वो कीड़े मकोड़े लगते हैं। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा, मतलब ये सुरक्षित हो गया। ये हमारी मिट्टी यहाँ अभी डंप लगी हुई है। तो दोस्तों ये है नीम की पत्ती जो हम पूरे इसमें मिट्टी में मिलाएंगे, फंगीसाइड का काम करेगा और कीड़े मकोड़ों से पौधों को बचाएगा। तो इनको डाल दो, डाल को ना थोड़ा तोड़ तोड़ के डाल इसी में डाल दो। तो ये सारे पत्तों को पूरी मिट्टी में हम इसमें मिक्स करेंगे। मिट्टी हमारी ढेर सारी इधर भी है और इधर भी सारी मिट्टी में इसको हम मिक्स करेंगे। तो सारे कंटेनर में पहले दोस्तों छोटी छोटी डाल, ये जो है ना नीम की, ये सूखी हुई आधी सूखी है, इसको हम डाल देंगे इनमें सब में। नीचे गार्बेज भरा है, ऊपर से हम ये डाल देंगे नीम की। कितना कड़वा कड़वा लग रहा है ना, तो ये हम इसको डालेंगे सारे कंटेनर में।
ये देखिए दोस्तों, अगर हम करना चाहें ना तो ये सारी चीज़ें हमको अपने आसपास से मिल जाती हैं। मतलब हम चाहें तो जीरो बजट में हम पौधे लगा सकते हैं, कुछ हमको ख़रीदना नहीं पड़ेगा। कंपोस्ट तो हम घर में बना सकते हैं, लीप कंपोस्ट बना सकते हैं, किचन वेस्ट से बहुत अच्छी कंपोस्ट बनती है। सबसे ताकतवर कंपोस्ट किचन वेस्ट और लीप कंपोस्ट से बनती है, लीप की बनती है। तो ये सारा चीज़ हम अपने आसपास से ले सकते हैं और हमारे अंदर एक सोच होनी चाहिए स्वस्थ जीवन जीने की। बाकी हम ये सब होते चला जाता है बाद में, तो जैसे आप कर लेंगे ना तो आपके गार्डन का ही गार्बेज इतना निकलेगा कि इसी की खाद आपके पौधों के लिए पर्याप्त होती है। जैसे ये सारे पत्ते जो लहलहा रहे हैं, एक ना एक दिन ये सूखेंगे तो सारे जो है ये काम आ जाते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। नीचे आप डाल दीजिए इनको। तो इस तरह से हम पौधों को लगाते हैं। अब इसमें हमने नीम की सूखी पत्ती मिट्टी में मिला दी है, आगे हम और कुछ मिलाएंगे जो आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह से छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हो ना तो इनको फेंकिए मत, इनको भी आप मिट्टी में मिलाइए। ये आपके पौधों को पोषण देंगे और आपके पौधों को जो है ना, मतलब कि आयरन का जो जरूरत होती है आपके पौधों को इससे मिलेगा। तो एक दो टुकड़ा भी अगर आपके गमले में चला जाता है तो आपके पौधे के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े अगर खिले या कुछ भी रहता है तो उसको आप मिट्टी में मिला दीजिए। दोस्तों, अब इसमें हम डालेंगे, हमारी जो ये मिट्टी है इसमें हम डालेंगे राइस हस्क, भूसी, चावल की भूसी। जिस धान से चावल निकल जाता है तो ये भूसी जो है अलग हो जाती है, चावल अलग हो जाता है। तो हम इस भूसी को इस धान में, इसमें धान की भूसी को इस मिट्टी में मिलाएंगे, राइस हस्क कहते हैं इसको। तो इससे बहुत ज़्यादा आपकी मिट्टी रिच बन जाएगी, बहुत ज़्यादा हल्की बन जाएगी और आपका पानी का जो, मतलब कि अगर गमले में रुकता हो कतई नहीं रुकेगा और आपके पौधे बहुत स्वस्थ रहेंगे, ग्रो करेंगे। मिट्टी तो हल्की बनेगी ही, इस राइस हस्क में बहुत ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको हम पूरे इसमें मिट्टी में मिलाएंगे और हम कई बोरी मिलाएंगे क्योंकि मिट्टी हमारी बहुत सारी है और बहुत सारे हमको कंटेनर भरने हैं। तो इसलिए इसमें मिट्टी हम इस मिट्टी में और भूसी मिलाएंगे। अभी एक बोरी मिलाए, अभी और लेने गए हैं। इसी तरह से हम और भूसी मिलाएंगे। ये देखिए, हम पहले से रखे रहते हैं दोस्तों ये सब सारी चीज़ें। आप भी अपने आसपास नज़र डालेंगे, अगर आपको ज़रूरत होगी तो ये आराम से मिल जाता है, नहीं मिलेगा तो मुझसे पूछना, मैं बता दूंगी। तो इस तरह से ये आप ये भूसी मिलाइए, पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है भूसी। ये देखिए, हमने दो बोरी भूसी इसमें मिलाया, अभी एक बोरी और मिलाएंगे। दोस्तों, ये हमारी तीसरी बोरी भूसी की। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाह रही थी कि मैं मिट्टी अब और नहीं लाती। एक बार मैं मिट्टी लाई थी, अब मैं उसमें बस खाद और भूसी मिलाती हूँ और ये गार्बेज, इसी से हमारी मिट्टी बार बार बढ़ते जाती है। और मैं कंटेनर अगर बढ़ाती भी हूँ तो इन्हीं मिट्टी से हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है, हमको और मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये खाद से मिट्टी हल्की भी रहती है और छत पे वजन भी नहीं पड़ता और हमें और मिट्टी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो हमारे पास मिट्टी हम पहले लाए थे वही मिट्टी में इनको सबको मिक्स करके हम बार बार पौधे लगाते जाते हैं। दोस्तों, अब हम डालेंगे कंपोस्ट। कितनी खूबसूरत ये बकरी की, वो देखो कीड़ा, सुनो ना, इसमें से वो जो निकले हैं ना उनको हटा देना। तो ये देखो कितनी सुंदर हमारी कंपोस्ट एकदम सड़ी हुई निकली है, वो कीड़े सड़ाते हैं ना इनको। तो ये बकरी की लीद से बनी हुई खाद है, 2 साल पुरानी, एकदम से कितना एकदम ब्लैक हो गई है, बहुत ही सुंदर। ये ऊपर से हम नीम की पत्तियां सूखी इसमें भर रहे हैं। देखिए, बहुत तेज धूप हो गई, दिमाग खराब हो गया, पर ठीक है, चलो। हाँ, मिला दो उधर। अब इसमें हमारी बकरी की खाद भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, राख भी मिली है। अब इसको हम करेंगे मिक्स सारी मिट्टी को। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी लीप कंपोस्ट थी हमारे पास तो इसको भी हम डाल दे रहे हैं। तो ये हमने डाल दिया, अभी हमारी मिट्टी ये हो गई। अब इसमें थोड़ी सी धूप लग रही है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर दी, इसमें धूप भी अच्छी लग गई, आज बढ़िया तेज़ धूप है। हम लोग दो घंटे रेस्ट किए, खाना वाना खाए, इसके बाद फिर छत पे आए। तो अब ये हमारा फिर ये काम चालू हो गया, मिट्टी में बढ़िया धूप लग गई है। अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद सारे कंटेनर को हम भरेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी मिट्टी मिक्स हो गई, धूप भी लग गया, ये हमारे कंटेनर भी गार्बेज भर गया सब में। अब हम मिक्स मिट्टी से भरेंगे अपने कंटेनर। ये देखिए, तो ये शुरुआत हो गई हमारी कंटेनर भरने की, अब हम सबको इससे भरेंगे।
वो गमला कौन वो जो वहाँ है ना, बहुत है लगी ऊंच में। हाँ लगेगा, लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लीफी वेजिटेबल मैं इस तरह से इसमें लगाऊंगी, तो ये इसमें हम ये खाद वाला जो मिक्स हमने किया इसमें हम भर रहे हैं इसको। आराम से मिट्टी अंदर कर लो जो बाहर जा रही। इस तरह से दोस्तों हम ये जो हमारा मिक्स है खाद मिट्टी सब कुछ, तो इसको हम कंटेनर को भर रहे हैं अपने। तो दोस्तों आज हमने इतनी मेहनत करी है, आप देखिए अपनी आंखों से हमारी मेहनत को। ये देखिए ऐसे लग रहा था कि एक ट्रैक्टर की टाली मिट्टी था, इस सबको हमने कंटेनरों में भर दिया और नीचे भी भरा है। नीचे जो हमारे गमले रखे हुए हैं, जो कंटेनर रखे हुए हैं, तो ये हमारे सारे कंटेनर हो गए रेडी बरसात के बाद ठंड की सब्जियों के लिए। तो हम इनको कुछ दिन तो इनमें धूप लगवाएंगे ताकि हमारी मिट्टी अच्छे से तैयार हो जाए। धूप लगने से मिट्टी बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है और सारे जो कीटाणु विषाणु जो गंदे होते हैं वो सब मर जाते हैं, फंगस वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए इनको अभी मैं थोड़ा धूप लगवाऊंगी, इसके बाद इनमें फिर मैं जो भी लगाऊंगी आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों फाइनल लुक ये है हमारे गार्डन का। ये हमने इसमें भी मिट्टी भर ली, इसमें भी खाद मिट्टी, इसमें भी भर लिया, इसमें भी भर लिया। ये सारे जो कंटेनर थे हमारे, ये सारे खाद और मिट्टी से भरा गए। अब हमको सिर्फ पौधे लगाने हैं। ये देखिए वो रोहित जा रहा है। आज मेरी भी परेड हुई और रोहित की भी हुई। जब भी हम काम करते हैं दोस्तों हमारी ऐसी ही परेड होती है। वो भी उसको भी हमने भर लिया और नीचे हमने साफ़ सफाई भी करवा लिया। हाँ इनको तो दिखाया नहीं, अरे बाबा ऐसे कैसे हो सकता। ये देखिए इनको भी भर लिया है ना। अब ये चलते हैं अब हम नीचे। ये हमारे सारे कंटेनर भर गए लीफी वेजिटेबल के लिए। ये देखिए इनमें सिर्फ लीफी वेजिटेबल लगाऊंगी मैं, पत्तों वाली सब्जियाँ जो मुझे बेहद पसंद है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। तो दोस्तों पानी रुक ही नहीं रहा है, सिर्फ पानी पानी। तो इसलिए हम वैसे भी हमको इनमें धूप लगवाना था जो हमने कंटेनर भरे थे, लेकिन पानी की वजह से चलो कोई बात नहीं, मिट्टी अच्छे से सब जम जाएगी, इसके बाद एक दो दिन धूप लग जाएगी, फिर इनमें मैं सब्जियां लगाने शुरू करूंगी ठंड की। ये तो खैर लीफी वेजिटेबल इनमें लगेगा, टोटल लीफी वेजिटेबल। तो हम कौन कौन से लीफी वेजिटेबल लगाएंगे आप ज़रूर देखिएगा। हाँ दोस्तों कल जैसे ही हमारा काम ख़त्म हुआ, जो जोरदार बारिश शुरू हुई है तो अभी तक लगातार बारिश चल रही है आपको मैं दिखाने के लिए। ये आई कल हमारा जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, देखिए सारे कंटेनर भराए। कल 5:30 बजे से पानी गिरना शुरू हुआ है, तो सारी रात और अभी ये इतना टाइम दिन के हो गए 11 बज रहे होंगे और ये लगातार बारिश सो रही है। अब ये जैसे बारिश खत्म होगी तो इसमें हम कुछ लगाएंगे पौधे। तो दोस्तों इसको हमने इस कंटेनर को इसके किनारे रखा है और ये बड़ा कंटेनर है, तो इसमें हम लगाएंगे कुछ थोड़े से लौकी के बीज। तो इस तरह से हम ये लौकी को इसमें रोपेंगे ताकि ये क्योंकि हमारे बहुत पौधे डिस्टर्ब हुए दोस्तों। क्या हुआ कि हम ये मतलब इधर उधर के चक्कर में पौधों को उखाड़ उखाड़ के इधर उधर करना पड़ा, ये जो हमारा बना ना ये फैलाने के लिए, तो हमारे सारे पौधे डिस्टर्ब हो गए। इसलिए हम थोड़े से पौधे गाड़ देंगे और कुछ पौधों को हटा देंगे, जो स्वस्थ पौधे निकलेंगे उसी को हम रखेंगे। तो इसमें हम लगा रहे हैं लौकी, पास पास में लगा रही हूँ, इतना पास नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम सारे पौधों को नहीं रखेंगे दोस्तों। उस साइड हम कुछ और लगाएंगे, ये किनारे में 2-4 पेड़ लौकी का छोड़ देंगे तो यहाँ से ये बढ़ के ऐसे ऊपर चला जाएगा। पौधे हमारे बहुत अच्छे खिल रहे हैं बारिश की वजह से, लेकिन ये बारिश लगातार हो रही है। मैं सोची कि थोड़ा मिट्टी में हमारी धूप लग जाएगी, लेकिन जैसे ही काम ख़त्म हुआ जो बारिश शुरू हुई, ओहो बारिश बारिश हो गया पूरा पौधे। मेरी ये कंटेनर की मिर्चियां मैं नहीं तोड़ पाई दोस्तों, बारिश शुरू हो गई। आज मैं कोशिश करती कि मैं इसका आधी मिर्ची तोड़ लूँ एक कंटेनर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना ये।
लेकिन बारिश की वजह से आज हमारा कुछ काम नहीं हो पाया। तो दोस्तों आप लोग भी तैयारी करें हमारी तरह से, बस ये समझिए कि ये बारिश लास्ट ही चल रही है, इसके बाद आप ठंड के पौधे लगा दीजिए, खासकर लीफी वेजिटेबल लगा दीजिए और अपने गार्डन को बढ़िया हरा भरा कर लीजिए। ऑर्गेनिक खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें और हम नए नए कंटेंट में वीडियो डालते रहेंगे। आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह हो तो आप ज़रूर दें, हम ज़रूर उस सलाह को मानेंगे। और धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।